आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। राजधानी लखनऊ में आज सीएमएस स्कूल के प्रबंधक जगदीश गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन में रूस की ओर से किए जा रहे हमले को लेकर विश्व की सभी प्रमुख नेताओं से अपील की है और कहा है कि विश्व के 2.5 अरब बच्चे और आने वाली पीढ़ियों को साथ लेकर विश्व एकता का गठन करना चाहिए, साथ ही विश्व पसंद का गठन हो जिससे हर देश अपनी समस्या एक दूसरे के साथ साझा कर सके। हमारे साथ मौजूद हैं सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी जी। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखा गया, क्या विषय था और आप एक संसद की बात कर रहे हैं, विश्व संसद की, इससे क्या बदलाव आ सकता है? देखिए, जो यूक्रेन पर इस समय रशिया ने 46 दिन हो गए और अटैक रोजाना कर रहा है और रोजाना तमाम लोगों को मार रहा है, तो इसको रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए। इसको यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि इसको रोका जाए। रशिया ने बात नहीं मानी। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको कहा कि इसको युद्ध को रोक दो, उसे नहीं मानी। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि तुम 2 दिन के अंदर युद्ध रोक दो, उसे भी नहीं माना। दुनिया के करीब 150 राष्ट्रों ने रशिया से अपील की कि आप इस युद्ध को रोक दीजिए, वो नहीं माना और उसने लाखों लोगों को तबाह कर दिया और आप ये समझिए हॉस्पिटल सारे ख़त्म कर दिए, आप समझिए बच्चों के स्कूल सब तोड़ दिए, सब ख़त्म, बच्चों को कितनों को मारा है, अभी तो बूचा में तमाम लोगों को कुचल कुचल के मारा है, तो वो सारे सब कुछ नष्ट कर दिया। सर, युद्ध के बीच स्कूलों पर भी बम गिराए जा रहे हैं और स्कूल लगभग बंद हैं और बच्चे जो हैं अपने स्कूल से बहुत दूर हैं और सहमे हुए हैं, तो क्या रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है इसमें बच्चों का ध्यान देना चाहिए, क्या स्कूलों पर बम गिराने को कैसे आप देखते हैं? देखिए, इसको रोकने का एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं, यूनाइटेड नेशन विफल हो गया है। इसके लिए वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी होगी बहुत तेज़ी से, क्योंकि करीब करीब 150 देश ऐसे हैं इस दुनिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जनतंत्र जिनमें है, तो वो सब एक हो सकते हैं और केवल चाइना और रशिया, दो में ऑटोक्रेसी है जिसमें कि डिक्टेटरशिप है, तो ये तो डिक्टेटर दो हैं, लेकिन बाकी दुनिया के राष्ट्र सब इसमें पुतिन के खिलाफ हैं। तो हमारा उनसे कहना है कि आप सब एक हो जाओ और एकजुट होकर के एक वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनाओ, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाओ और डिक्लेयर करो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट है, इसको ओवे करो, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। विश्व संसद जो आप बनाने की बात कह रहे हैं, इससे क्या फर्क आएगा? विश्व संसद से विश्व की सरकार बनेगी। कोई भी संसद होती है तो फिर सरकार बनती है और कोर्ट ऑफ जस्टिस बनता है, तो ये होगा और उसकी मिलिट्री होती है विश्व की, तो विश्व के पास मिलिट्री होगी, तो वो फिर एक घोषणा कर दे, नोटिस दे दे रशिया को कि ये गवर्नमेंट वर्ल्ड की बन गई है, आप इसको ओवे कीजिए, नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पूरा विश्व मिल करके उनके अस्त्र शस्त्र सब जोड़ दिए जाएं तो रशिया से कितने गुने हो जाएंगे। इसे अगर देखे तो ये युद्ध भी ऐसे तब, माहौल नहीं बनेगा तो उसी तब वो युद्ध समाप्त होगा, क्योंकि रशिया तब तक नहीं मानेगा जब तक कि कोई बड़ी उससे बड़ी ताकत उसे दबा न दे। विश्व संसद बनाने को लेकर कितने लोगों को आपने पत्र लिखा है और क्या है? सारे राष्ट्रपति और सारे प्रधानमंत्रियों को लिखा है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के हैं, चाइना को छोड़कर और रशिया को छोड़कर और पाकिस्तान को छोड़कर, जी सबको लिखा है। तो हमारे साथ मौजूद थे सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी, इनका साफ तौर पे कहना है विश्व संसद से जो आपसी एकजुटता है वो बढ़ेगी और इन्होंने विश्व संसद बनाने को लेकर लगभग पाकिस्तान और कुछ देशों को छोड़कर तमाम देशों को पत्र लिखा है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ।
बिजनौर कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। बता दें, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बिजनौर में 12 मतदान केंद्रों और 12 ही बूथों पर मतदान की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। बता दें, हर मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, साथ ही यूपी पुलिस और महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। 12 केंद्र बनाए गए और अभी आज पार्टियां वहां गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सारी व्यवस्थाएं समय से की गई हैं और स्वच्छ पारदर्शी चुनाव हो रही है। कितने मतदान केंद्र बने हैं टोटल? 12 मतदान। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।